वेलकम टू द शमास रेसिपी फ्रेंड्स। वैसे तो मैंने आपसे आपके साथ कई चीज़ों की रेसिपी शेयर की है, आज मैं आपके साथ एक हेल्दी नाश्ते की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इस नाश्ते को कहते हैं बेसन के चीले। ये बहुत ही अच्छा नाश्ता है, बहुत ही हेल्दी नाश्ता है, और अगर आप वेट टू जर्नी पे हैं तो ये आपके लिए है। इसे बनाना बहुत ही ईजी है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बेसन चीला, बेसन चीला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कप बेसन ले लिया है, एक टमाटर बारीक चॉप कर लिया है, एक छोटी सी प्याज मैंने बारीक चॉप कर ली है, और दो हरी मिर्ची बारीक चॉप कर ली है। इसमें आगे और चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगी रेसिपी में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं अब बेसन चीला। बेसन चीला बनाने के लिए सबसे मैंने ये बोल ले लिया है, और इसमें मैं ट्रांसफ़र करूँगी बेसन। तो एक कप बेसन है, ये वज़न में 250 ग्राम के करीब है। अब साथ ही हम इसमें मिलाएँगे पानी, क्योंकि पहले हम बेसन में गुठलियाँ हटने तक इसे फेंटेंगे अच्छे से। धीरे धीरे करके पानी डालिएगा, एक साथ सारा पानी बिल्कुल मत डालिएगा। तो हम इसे धीरे धीरे करके फेंट लेते हैं। तो ये देखिए, हमने अच्छे से बेसन की घोल बना लिया है, और ये देखिए कंसिस्टेंसी है ये। माफ़ कीजिएगा, मेरे थोड़े से गले में प्रॉब्लम है इस टाइम पर। अब मैं इसमें डालूँगी सब्ज़ियाँ, इसमें डालूँगी अनियन, टमाटर, हरी मिर्च और कुछ मसाले, जिसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी लाल मिर्च। अगर आप वेट लूज जर्नी पे हैं तो आप काली मिर्च का प्रयोग कीजिए, साथ में थोड़ी सी हल्दी। हल्दी वैसे भी बहुत गुणकारी होती है, और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। बेसन में हमेशा नमक हाथ रोक के डालिएगा, कोई भी चीज़ बनाने से पहले या ऐसे ही मिश्रण को तैयार होने के बाद हम एक बार चेक कर लेंगे नमक। और साथ में आधी छोटी चम्मच से कम ज़ीरा, ज़ीरा वेट लूज में बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब हम सबको मिला देंगे अच्छे से। ये देखिए, ये हमें थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेते हैं, और अब हम बनाएंगे इसके चीले। ये देखिए, अगर आपको बेसन और गाढ़ा लगे तो आप इसमें और थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा, लेकिन बेसन को इतना पतला नहीं करना है कि वो बिल्कुल पानी बन जाए। ये डिपेंड करता है किसी किसी बेसन पर, कि कोई बेसन ज़्यादा पानी लेता है, कोई कम पानी लेता है, कि कभी बेसन मोटा भी आप यूज़ कर लेते हैं। तो जब आप मोटा बेसन यूज़ करें तो थोड़ा पानी की मात्रा बढ़ा दें। मैं इसमें थोड़ा सा पानी और बढ़ाऊँगी, पानी मैं इसमें और डाल देती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, अब ये हमारा चीला बनने के लायक हो चुका है। कितना बढ़िया लग रहा है इसका मिश्रण। एक कप बेसन और एक कप पानी, जिस कप से मैंने बेसन लिया है उसी कप से पानी लिया है। अब चलते हैं हम इसकी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप ये है फ्रेंड्स, मैंने ये नॉनस्टिक तवा ले लिया है, इसके ऊपर हम ज़रा सा ऑयल लगाएंगे और फिर उसके बाद अपना मिश्रण फैलाएंगे। तो इस तवे को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना होता है, इसको ऐसे तेल फैला देते हैं। ठंडे तवे पे ही हमें और डालना होता है ये मिश्रण, क्योंकि अगर तवा गर्म हो जाएगा तो ये मिश्रण सही से फैलेगा नहीं। तो अगर आप लोहे के तवे बना रहे हैं तो उसे थोड़ा सा गर्म करना ज़रूरी है, और उसमें तेल की मात्रा भी अधिक होनी चाहिए। तो इसमें मैं ये डाल देती हूँ, इसे अच्छे से फैला देंगे। दो तीन चम्मच, जितना आप बड़ा बनाना चाहते हैं, मेरा तवा थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा मैं बड़ा ही डालूँगी, जैसा आप बनाना चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। बहुत ही प्यारी रेसिपी है, आप इसमें अपनी फेवरेट सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं। आप शिमला मिर्च ऐड कर सकते हैं, गाजर ऐड कर सकते हैं, आप इसमें बीन्स ऐड कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो ऐड कर सकते हैं सब्जियों में। आप इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पनीर की तो स्टफिंग करनी ऊपर से डालना पड़ेगा, वो इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते उसे। तो ये देखिए, चीला मेरा हो चुका है। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर, ये इस तरफ ज़्यादा फैल गया है। ये देखिए, इसे सिकने देते हैं पीछे की तरफ से दो मिनट के लिए। तो चीले को हम पलट लेते हैं,
देखिए बहुत इजीली बाहर आ गया। इसको हम पलट देते हैं। ये थोड़ा सा हमारा ब्राउन सा हो गया है, थोड़ा डार्किश हो गया है, इसे दूसरी तरफ से ही पका लेते हैं। तो देखिए ये हमने पलट लिया चीला, दूसरी तरफ से दोनों तरफ से पका लिया है हमने। अब हम इसे प्लेट पर सर्व कर लेते हैं। इसी तरीके से हम अपने सारे चीले बना के रेडी करेंगे, तो उसे प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए हमने तवे इस पे प्लेट में निकाल लिया है, कितना शानदार चीला बना है। इसी तरीके से हम सारे चीले बना लेते हैं। ये देखिए ये हमारा दूसरा चीला भी लगभग रेडी हो चुका है, इसे हमने इस तरीके से पलट लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे सारे चीले बन गए हैं, उन्हें हमने सर्व कर लिया है इस चटनी के साथ। ये ग्रीन चिली सॉस है जिसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और ये जो नाश्ता है आप इसे बच्चों को टिफ़िन में पैक करके दे सकते हैं, बच्चे इसे बहुत मज़े ले लेके खाएंगे। आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं, ये सबको बहुत पसंद आने वाला नाश्ता है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।